स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे नेवी कोस्ट गार्ड एयरफोर्स स्पेशली ये डिज़ाइन है इस नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। जीके का खेल खत्म, क्लास होने वाला है चार, मतलब कि फोर्थ क्लास होने वाला है। तीन क्लास आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जिसमें आप जाके चेकआउट करिए, तीन क्लास मिस मत करिएगा। अगर स्पेशली अगर नेवी का एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका तो कोस्ट गार्ड का भी आ ही गया है लगभग, और उसका भी एग्ज़ाम मार्च में होना ही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए विभिन्न खेलों के खेल परिसर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 100%, इसकी गारंटी मेरी है कि एग्ज़ाम में आपको मिलना ही मिलना है। ट्रिक से याद चुटकियों में, और क्लास तीन भी वही ट्रिक से ही बताया जा रहा है ताकि आपको कम समय में याद हो जाए, राइट। और आपको पर डे एक टॉपिक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा वैसे ही आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं से वहाँ पीडीएफ कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जीके के लिए सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है अगर कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ जीके पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपना है डिफेंस में ही जाना स्पेशली नेवी कोस्ट गार्ड एयरफोर्स, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा, कोई भी मतलब कि क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए दबा के। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसर। खेल परिसर का मतलब जहाँ पे वो चीज़ खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, वही इसमें डिस्कस करने वाला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशली नेवी की बात करें तो फर्स्ट चीज़ जैसे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर हम खेलते हैं बेसबॉल, राइट। ऑलरेडी मैंने इसको याद भी करा दिया है कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो उसको जरूर याद कर लीजिए। वो क्लास वन में ही डिस्कस किया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है आपका डायमंड, तो बेसबॉल किस में, बेसबॉल, राइट। तो वो डायमंड का आकार का जो होता है, जो मतलब डायमंड का आकार मतलब डायमंड पे नहीं, राइट, कोई ना ये ना समझ ले हीरा बता रहा हूँ, ओके। ये जो खेल परिसर होता है वो डायमंड के आकार का होता है, बेसबॉल वहीं पर आपका खेला जाता है, राइट। कहाँ पर खेला जाता है तो डायमंड, आप समझ लीजिए बेसबॉल कहाँ पे खेला जाता है, तो आपको डायमंड टिक करना होगा, आपके ऑप्शन में रहेगा डायमंड और डायमंड आपको टिक करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, राइट। चलेंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे आप देखेंगे कोर्स, जो गोल्फ वगैरह खेला जाता है ना उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको कोर्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं भाई साहब, कोर्स बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं, कहाँ पे, गोल्फ के लिए। अगर बात कर ले मैट वगैरह, तो मैट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जूरो कराटा जो होता है और ताइक्वांडो जो एक गेम होता है वो कहाँ पे खेला जाता है, तो ये आपका कहाँ पे, मैट पे, राइट। ये आपको ध्यान रखना, डायमंड, बेसबॉल, कोर्स, गोल्फ, इस तरीके से कोर्स गोल्फ को गो इस तरीके से याद करना है। डायमंड मंड क्या, बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, ओके। मैट का आपको जूरो कराटो पे ध्यान रहना चाहिए कि जूरो कराटो ताइक्वांडो मैट पे आपका होता है। अगर बोला जाए टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कहाँ होता है भाई, आपको पता होगा टेबल पे ही होगा, और टेबल वो क्या समझ लीजिए, वो एक बोर्ड टाइप का रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेबल टेनिस कहाँ पे होता है, बोर्ड पे होता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करना है, और इसकी गारंटी मेरी है कि आपको इस क्लास में ही याद हो जाएगा, बाकी कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके ओके। तो टेबल टेनिस कैसे होता है, टेबल टेनिस आपको पता हो टेबल पर ही होगा, टेबल का मतलब वो बोर्ड, उस पर टेबल पर क्या रखता है, एक बोर्ड के टाइप जैसा रहता है बड़ा सा, उस पर टेबल टेनिस होता है। इस तरीके से रिलेट करके आपको याद करना है। चलेंगे नीचे, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं वेलोड्रम, वेलोड्रम यहाँ साइकिलिंग किया जाता है, क्या चीज़, साइकिलिंग, वेलोड्रम, ओके। ये अलग से ही हटके है तो साइकिलिंग से याद रखना है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ट्रैक, ओके, क्या दे रखा है, ट्रैक दे रखा है, ओके। तो यहाँ से घबराना नहीं है कि ट्रैक, बहुत सारे बच्चे ट्रैक पर साइकिलिंग वगैरह ऐसा सोच ले, नहीं भाई साहब, एथलीट्स आपको पता होगा, एथलीट्स जो दौड़ते हैं उसका सबका अलग अलग ट्रैक बना होता है, राइट। ऐसे ऐसे इसमें एक आदमी दौड़ेगा, इसमें दो दूसरा आदमी, इसमें तीसरा आदमी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा ही लाइन से ट्रैक बना रहता है। तो ट्रैक में क्या होता है, एथलीट वगैरह जो होते हैं, एथलीट जो बोलते हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं स्पेशली, उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैक पर होता है, तो आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्ज़ाम के लिए, देख सकते हैं वेलोड्रम, साइकिलिंग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत ट्रैक वगैरह तो बहुत लोग क्या करेंगे, लहवा देंगे, लहवाने का मतलब कि क्या, तुक्का मार देंगे, राइट। तो वेलोड्रम कहाँ पे, साइकिलिंग, ओके। चले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेंज, रेंज आपको पता हो, रेंज मतलब, रेंज का मतलब ही क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब बताइए, तो रेंज मतलब सीधा सीधा इससे रेंज लगाना है, निशाना लगाना है, और तीरंदाजी में भी हम लोग निशाना ही लगाते हैं, राइट, और निशानेबाजी, वही हो गया आपका रेंज,
किस चीज़ को रेंज पे लाना, राइट, रेंज पे लाना, निशाने पे लाना, ओके। तो ये किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से रिलेट हो जाएगा। और ये तीरंदाजी, तीरंदाजी में भी निशाना लगाया जाता है और निशानबाजी में भी निशाना ही लगाया जाएगा, तो रेंज पे ही लाया जाता है और रेंज पे लगा के शूट कर देंगे, राइट, अपने रेंज में लाएंगे और शूट कर देंगे, ओके, इस तरीके से, ओके। चलिए, एक था कोर्स और ये है कोर्ट। कोर्स कहाँ पे था भाई साहब, गोल्फ। कोर्स कहाँ था, गोल्फ वाला था कोर्स। और ये यहाँ पे आ गया कोर्ट। कोर्ट में देखिए टेबल टेनिस कहाँ था, टेबल टेनिस था आपका किस पे, बोर्ड पे, टेबल टेनिस बोर्ड पे था, राइट, टेबल जो टेनिस था वो बोर्ड पे था। और यहाँ पे है कोर्ट, कोर्स गोल्फ पे, कोर्ट आ गया, तो यहाँ पे टेनिस। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है क्या क्या यहाँ पे दे रखा है आपको, इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ ताकि दिक्कत ना हो, ओके। चलिए यहाँ पे दे रखा है कोर्ट, कोर्ट का देखिए टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इतने सारे गेम यहाँ पे खेले जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाता है ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको भाई साहब। ये चीज़ जो है आठ नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। टेनिस का भी कोर्ट, बैडमिंटन का भी कोर्ट, नेटबॉल का भी कोर्ट, खो खो का भी कोर्ट, स्क्वैश का भी कोर्ट, कबड्डी का भी कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट। देखिए आपको बेसबॉल याद कराया था मैंने, बेसबॉल इसको याद कैसे करेंगे, बेसबॉल आपको याद कराया था, बेसबॉल कहाँ था भाई साहब, डायमंड, राइट, बेसबॉल कहाँ था, डायमंड पे था, ओके। तो ये आपको याद था, बेसबॉल डायमंड पे याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेसबॉल को छोड़ के बाकी जितने भी बॉल आएंगे, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये तीन चीज कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ओके। नेटबॉल और वॉलीबॉल और हैंडबॉल ये कहाँ पे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे भाई साहब, कोर्ट में जाएंगे, ओके। और टेनिस और बैडमिंटन, टेनिस में भी दो आदमी खेलता है, बैडमिंटन में भी दो आदमी खेलता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। टेनिस और बैडमिंटन भी कोर्ट में ही खेला जाता है, और हैंडबॉल, बॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल ये भी आपका कोर्ट में खेला जाता है। अब बच गया आपका खो खो, खो खो, राइट, खो खो भी आपका कोर्ट में, और स्क्वैश और कबड्डी भी आपका कोर्ट में ही खेला जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही आपके लिए, ओके। बाकी नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे रखा है रिंग, रिंग, रिंग किस चीज़ में, रिंग में आपको पता है रिंग जो मुक्केबाजी वगैरह होता है तो उसको रिंग बोलते हैं, आपको पता होता है, होना चाहिए ये चीज़। तो रिंग वाला जो चीज़ जिसको पता, जो बॉक्सिंग वगैरह देखते होंगे उनको पता होगा रिंग बोलते हैं, या फिर पिक्चर वगैरह में भी कहीं बॉक्सिंग वगैरह देख लिए होंगे तो रिंग में बोला जाता है, रिंग में, ओके, तो उसको रिंग बोला जाता है। तो स्कैटिंग और मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी तो सबको याद होगा, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कैटिंग याद करना, ओके ओके, क्या याद करना है, स्कैटिंग, ओके। अब मैं ये भी बताऊंगा आपके एग्जाम में कौन सा इसमें पूछा गया था, ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। रिंग, स्केटिंग, जो कि नेवी SSR के एग्ज़ाम में पूछा गया था आपके, तो इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक कराया जाए, हो सकता है कभी भी आपके एग्ज़ाम में चिपक सकता है, ओके। रिंग, स्केटिंग याद करना है, मुक्केबाजी आपको सभी को याद होगा, ओके। अब बात करेंगे पुल, अब पता है पुल होगा तो नीचे पानी भी होगा, राइट, पुल के ऊपर हम जो रहते हैं तो पुल के नीचे तो पानी होता है ना भाई साहब, तभी तो पुल, नदी वगैरह पे ही तो पुल बनाया जाता है, नदी वगैरह पे, तो उसमें से रिलेट करना है पुल, क्या मतलब, तैराकी करेंगे, तैर के जाएंगे, नदी पे पुल है तो ठीक है, नहीं है तो तैरेंगे, पुल जहाँ भी रहता है वहाँ से कूद के हम लोग छलांग मारते हैं, और छलांग मार के क्या करते हैं, तैरते हैं, तो ये तो याद हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एली, एली भी कुछ है बाउलिंग मतलब, और ये बाउलिंग थोड़ा सा आपको याद करना होगा, ओके, तो बाउलिंग और ओके एली किस पे, बाउलिंग एली, ओके, राइट, बाउलिंग को किस पे, एली पे, तो ये थोड़ा सा, हाँ, घुड़सवारी जहाँ पे किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है घुड़सवारी जो खेला जाता है, किया जाता है वो एरिना पे, राइट, घुड़सवारी किस पे किया जाता है, एरिना पे किया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, एरिना पे घुड़सवारी, रिंग पे काचिस, मुक्केबाजी और स्केटिंग, पुल पे तैराकी, एली पे बाउलिंग, एरिना घुड़सवारी, ओके। चलिए और यहाँ पे बात करेंगे 13 नंबर फील्ड, फील्ड में देखिए बहुत सारे बच्चे सोचे कि फील्ड में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, नहीं सर, फील्ड में क्रिकेट नहीं खेलते, पिच पे क्रिकेट खेलते हैं, राइट, पिच पे क्रिकेट खेलते, बोलते हैं ना पिच बनाओ क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट किस पे खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है, ओके, ये आपको ध्यान में, अब फील्ड में क्या खेला जाता है, फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी, ओके, हॉकी कहाँ खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में, और पोलो भी
फील्ड में। तो ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे सोचे कि क्रिकेट आ जाए और हम लोग फील्ड टिक कर दे तो गलती हो जाएगा भाई साहब। ओके, ध्यान में रखना है क्या चीज़, पोलो फुटबॉल और हॉकी फील्ड में। कबड्डी की बात कर ले तो कबड्डी भाई साहब, कबड्डी आपको पता है, कबड्डी अगर आपने देखा होगा तो वो होता है कोर्ट में, गोल्फ वगैरह कोर्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। चले फील्ड यहाँ पे देख लिया, पोलो फुटबॉल हॉकी। अब बात करें रिंग के, यहाँ पे देखिए एक था रिंग, रिंग में हम लोग क्या करते थे, रिंग था आपका स्केटिंग के लिए, सॉरी रिंग को लिख दिया मैंने फिर से, रिंग रिंग था जो आपका स्केटिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी के लिए। ओके, मुक्केबाजी के लिए स्केटिंग, सॉरी रिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी के लिए, लेकिन यहाँ पे है रिंक, यहाँ पे वहाँ पे ग था, यहाँ पे क है, यहाँ पे है रिंक, क है रिंक। तो रिंक से आपको क्या करना है, राइट। हॉकी अभी पता चला आपको, यहाँ पे खेला जाता है, कहाँ पे, फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है, पोलो वगैरह फील्ड में खेला जाता है, लेकिन आपका आइस हॉकी जो होगा वो रिंक में खेला जाएगा, और कर्लिंग भी गेम है, तो कर्लिंग और आइस हॉकी, आइस हॉकी रिंक में, रिंक रिंग और रिंग में कंफ्यूज ना होइएगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको, पहले से सचेत कर रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है आप जाके कंफ्यूज हो जाए रिंग और रिंग में। और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में दिया हो रिंग रिंग और आप रिंग वाला ये आइस हॉकी पूछ दे और आपको इसी को टिक कर दे जल्दी जल्दी में, तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। आपको बात करेंगे ग्रीन्स, बाउल्स जो होता है वो ग्रीन्स में। एक था बाउलिंग, बाउलिंग एली मतलब बाउलिंग, लिंग आएगा तो एली, बाउलिंग एली। अब बाउल्स सौ आएगा तो ग्रीन्स, यहाँ पे सौ से रिलेट करेंगे, बाउल्स ग्रीन्स इससे रिलेट करेंगे, लिंग एली बाउलिंग एली एली बाउलिंग, राइट। इस तरह से पुल तैराकी, एरिना घुड़सवारी, फील्ड पोलो, फुटबॉल हॉकी, रिंग, कार्लिंग, आई चौकी, और आपका एक और चीज़ है जैसे कि रग्बी वगैरह, और पिच पे मैंने बताया ना, पिच पे खेला जाता है क्रिकेट, किस पे, पिच पे, पिच पे क्या खेला जाता है, पिच पे आपका होता है क्रिकेट, क्रिकेट और एक होता है रग्बी, राइट। तो ये ध्यान, सबसे ज़्यादा प्लेयर किस खेल में होते हैं, तो रग्बी में कितने प्लेयर, 15 प्लेयर। ओके, ये ध्यान में रखना भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी करा रखा है, आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाके देखिए। चलिए एक बार रिपीट करेंगे फटाफट तेजी में, ओके, और फटाफट आप लोग भी कमेंट में लिखते चलेंगे, राइट। डायमंड बेसबॉल कोर्स, गोल्फ, मैट, जूडो, कराटे, ताइको वांडे, बोर्ड जो होगा वो टेबल टेनिस, टेबल के ऊपर बोर्ड वगैरह रख के खेलेंगे, समझ लीजिए। बेल्ट्रम जो है साइकिलिंग के लिए, ट्रैक के लिए, एथलीट वगैरह के लिए साइकिलिंग वगैरह किया जाता है, मतलब सॉरी ट्रैक वगैरह किस चीज़ पे, जो दौड़ते वगैरह है इस तरीके से ट्रैक वगैरह रहता है आपका, एक नंबर, दो नंबर प्लेयर, तीन नंबर प्लेयर, इससे, और रेंज आपका निशाने लगाएंगे, रेंज करेंगे, अपने रेंज में लाना किसी को, तीरंदाजी बोलेंगे ना, तो उसको मैं रेंज पे रखा हूँ, मैंने जब भी दिखेगा उड़ा देंगे, राइट। कोर्ट, कोर्ट किस पे, कोर्ट आपका टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, जितना भी बॉल आएगा बेसबॉल को छोड़ के वो आ जाएगा कोर्ट में, और टेनिस, राइट, बैडमिंटन जो दो प्लेयर वाले होते हैं, एक या दो प्लेयर, तो ये हो जाएंगे कोर्ट में, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी कोर्ट में, राइट। ये ध्यान रखना है, रिंग आपका हो जाएगा स्केटिंग, मुक्केबाजी, पुल तैराकी, एली बाउलिंग, और एक होता है आपका बाउल्स, बाउल्स किस चीज़ में, ग्रीन्स, राइट, रिंग, और रिंग में कन्फ्यूजन, रिंग में मुक्केबाजी स्केटिंग, और रिंग में कर्लिंग आइस हॉकी, फील्ड में होगा पोलो फुटबॉल हॉकी, और एरिना घुड़सवारी, एली बाउलिंग, राइट। ये ध्यान रखना है, और पिच में आपका रग्बी और आपका क्रिकेट, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये आपका, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे पीडीएफ, पीडीएफ आपका मिल जाएगा कहाँ पे, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो टेलीग्राम से ऐड हो जाए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, एंड नहीं भी लगा हो तो भी बता दीजिएगा। वैसे कॉमेडी तो कर नहीं रहे हैं कि अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो पढ़ने में जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सो ध्यान लगाकर पढ़िए, बहुत जल्द आपका एनएवी का एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा तो आपका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोज 10 बजे आपको आ जाना है, 10 बजे जीके का क्लास रहेगा, 10 बजे, राइट, कितने बजे, 10 बजे, ओके। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई हो, कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हैं, या फिर नंबर दे ही रखा है वहाँ पर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय, टाटा, जय हिंद।